सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन आज नारायणपुर के पंचायत भवन परिसर में किया गया। कार्यक्रम में विधायक इरफान अंसारी, उपायुक्त गणेश कुमार के अलावा जिले के अधिकारी, प्रखंड के अधिकारी और आम जन मौजूद थे। कार्यक्रम में ग्रामीण अभय पांडे बगरूडी गांव में स्थापित क्रेशर और बांस पहाड़ी गांव में मौजूद पत्थर खदान को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बगरूडी गांव में जो क्रेशर है वह बिना आम सभा के ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा बगरूडी जाने वाले पथ बड़े बड़े हाईवा लेकर उक्त क्रेशर से अन्यत्र आते जाते हैं, जिस वजह से सड़क भी बर्बाद हो चुकी है। कहा कि बांस पहाड़ी खदान में संचालक द्वारा नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का वहां नियम का संचालन नहीं होता है, जिसके कारण जान माल की हानि होने का खतरा बना है। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने जिला खनन पदाधिकारी को बगरूडी क्रेशर संचालक से सड़क की क्षतिपूर्ति के एवज में जुर्माना भरने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही बांस पहाड़ी पत्थर खदान पर भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में सीएससी नारायणपुर के प्रभारी डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टर पर बिना बोले ऑपरेशन करने का आरोप लगा। साथ ही मामला दर्ज होने के बाद बावजूद पदस्थापन पर भी उंगली उठाई गई। इस पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इलेक्शन के आलोक में हम लोग अपने कार्यालय के चैंबर को छोड़कर आपके बीच आ रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि आपकी समस्याओं को हम जानें, समझें और उसके निराकरण की दिशा में प्रयास करें। यह सौभाग्य की बात है कि आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक उपस्थित हैं, जिला परिषद की अध्यक्षा उपस्थित हैं। लक्ष्य के तहत हम लोग को रहना है। यहाँ माननीय विधायक उपस्थित हैं, उनको मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सामाजिक सुरक्षा में आप लक्ष्य बढ़ाने के लिए सरकार स्तर पर भी प्रयास करें और हम लोग यहाँ से प्रशासनिक स्तर पर भी सामाजिक सुरक्षा के जो सचिव हैं उनसे आग्रह करेंगे कि यहाँ का लक्ष्य बढ़ाया जाए। मैं आपका बांस पहाड़ी और बगरूडी में सर जो क्रेशर जो लगाया गया है वो नियम के एकदम विरुद्ध है। उसमें आपका चारों तरफ इसका बाउंड्री वॉल होना चाहिए इसका सर, और खदान में सुरक्षा भी नहीं। सुरक्षा नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को जाल माल की जो है लोगों की बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है, मर भी रहा है सर। आज एक महीना करीब एक महीना पहले एक गाय सर इस पर टूट के जो है गिर के मर गई। और ऐसा करिए एक है सर, इसमें जो खनन से जो पैसा जो सर रॉयल्टी आता है सर, उससे भी सर पानी यहाँ के ग्रामीणों को मिलना चाहिए सर, इसकी से सुविधा होना चाहिए, मिलना चाहिए ना सर। देखिए यह तोड़ दिया सर और पब्लिक को आना जमा बाधित हो रही है, दिक्कत हो रही है, उस पर सर आप कार्रवाई कीजिए। कहाँ पर है सर, आपके सड़क बनाए पड़े मेरा उसके बाद नहीं कुछ कोई घेराबंदी नहीं है। जांच की जगह रॉयल्टी भी सुनते हैं, पैसा मारता है वो, उसको इमीडिएट अभी जाके जांच कीजिए और कुछ कीजिए। उसमें पौधा लगाना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई पौधा भी नहीं था तो पूरा रोड खराब हो गया है, खेत बर्बाद हो रहा है। लोग की शुरुआत आज नारायणपुर से किया गया। ये सरकार हेमंत सोरेन की सरकार जनता के बीच जाए और जनता को परेशान अब होने की आवश्यकता नहीं। आपका काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। अब आपको ब्लॉक के चक्कर या थाना के चक्कर या जिला के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के जो पदाधिकारी हैं आपके गांव जाएंगे और गांव में आप लोग जो भी समस्या है उसका निदान करने का हम लोग काम करेंगे। जमीन में उस हिसाब में आपको कहूंगा कि कहां पर है, जब बोले तो वो आर्यों का रोड है, गाड़ी पार करता है वो आदिवासी का रोड है, पूरा सड़क उड़ा दिया। पहले तो ऋषि साहब जो क्रेशर का जो मालिक है उससे कहता हूं सुनिए, तुमने सड़क उगाड़ा है, रोड उड़ा दिया है सरकारी। और मैं कहूंगा ऋषि साहब बहुत शिकायत भी मिला है, हम गए थे गांव के समय में
तो काफी लोगों ने मुझसे शिकायत भी किया था। अभी तो सरकार आ रहा है, लेकिन आपके असर का मामला है, उस परिसर को बंद कीजिए ताकि मैसेज जाए लोगों में कि हाँ गलत गलत है, सही सही है। उसका आम सभा भी फर्जी है, लोग कहते हैं आम सभा करके नहीं, कैसे उसको मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। यहाँ जो भी काम चलेगा सिस्टम से काम चलेगा, कोई कहेगा कि नहीं हम बाहर से आके हम आदिवासी के पत्ते उड़ाते हैं, ये भी नहीं चलेगा।